गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। थैंक यू। तो चलिए क्लास फिर हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जहां तक हम लोगों ने किया था एमाइल दुर्खिम का थ्योरी ऑफ सुसाइड, वो देख रहे थे। ध्यान है आप लोगों को? सुसाइड या आत्महत्या, इसका सिद्धांत हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया, आत्महत्या को अध्ययन किया उन्होंने, कहाँ कितने आत्महत्याएं हो रही हैं, लगभग 26,000 केसेस का अध्ययन किया था। ध्यान होगा जो लास्ट क्लास में हमने बताया था, 26,000 केस, और ये 1841 से लेकर के 72 तक इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। तो तकरीबन 30 साल का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह से आंकड़े एकत्रित किए, मान लीजिए 4-5 जगह, उससे ज़्यादा ही जगह इन्होंने लिया, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ खरीदना पड़ेगा। हाँ, डेटा इन्होंने लिया और इन्होंने पाया कि एनुअल रेट, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ सुसाइड ढूंढा। तो ध्यान रहे कि ये जो स्टडी किया था इन्होंने, ये 30 साल टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि रातों रात इन्होंने स्टडी किया और अपना थ्योरी दिया था, 30 साल का समय लगा था इन्हें, और 26,000 केसों का अध्ययन किया था। और इन 26,000 केसों का अध्ययन करने के बाद ही एनुअल रेट निकालते हैं। एनुअल रेट निकाले, जैसे प्लेस ए है, यहाँ पर उन्होंने पाया कि तकरीबन हर साल 150 सुसाइड हो रहा है। प्लेस बी है, यहाँ पर 50 सुसाइड हो रहा है। प्लेस सी है, यहाँ पर 60 सुसाइड हो रहा है। डी है, 250 सुसाइड हो रहा है। फिर ई है, 70 सुसाइड हो रहा है। एफ है, 100 सुसाइड हो रहा है। तो ये एवरेज उन्होंने निकाला। इसका अर्थ यह है कि ये सभी जगह जो हैं, यहाँ पर उन्होंने पाया कि हर साल आत्महत्या के आंकड़े जो हैं वो लगभग बराबर हैं। मीन अगर प्लेस ए में 150 सुसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कभी 135 होगा, तो 155 होगा, 145 होगा, इतना ही के आसपास होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 150 हो रहा है तो कभी 50 हो जा रहा है या कभी 250 हो जा रहा है। 150 के आसपास ही आंकड़े आ रहे हैं। प्लेस बी है, अगर यहाँ पर 50 आत्महत्याएं हो रही हैं तो 50 के आसपास ही होगा। कभी ये 35 हो सकता है, कभी 40 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 150 का आंकड़ा पहुंच जाए। आत्महत्याएं स्थिर हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर उन्होंने क्या पाया कि सब जगह आत्महत्या का दर जो है वो स्थिर है, और इस आधार पर उन्होंने यह कहा कि समाज जो है वो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हर जगह का समाज अलग है। ए बी सी, ये रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है, ये मान लीजिए मुंगेर है, और ये हजारीबाग है, अलग अलग जगह का इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये हर जगह के सोसाइटी अलग है, और यह भी है कि अगर ये व्यक्ति जो यहाँ प्लेस सी में है, और अगर वो डी में आ जाए, तो ज्यादा संभावना है कि वो सुसाइड करेगा। क्या रीजन है?
तो उन्होंने कहा कि यह समाज ही इसका रीजन है कि समाज ही प्रेरित करता है व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए। बी वाला व्यक्ति अगर प्लेस सी में आ गया तो आत्महत्या की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जितना आंकड़ा एकत्रित किया था 26,000 केसों का अध्ययन किया था, ये 26,000 केसों को उन्होंने वर्गीकृत किया, ठीक है, धर्म के आधार पर, अलग अलग रीजन पर इन्होंने इसको क्या क्या बांट दिया। और उन्होंने क्या पाया कि सुसाइड, सॉरी, सुसाइड हाई, सुसाइड लो। उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी इनमें आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं, कैथोलिक धर्मावलंबी इसमें आत्महत्या कम होती है। फिर मर्दों में आत्महत्या ज्यादा होती है, औरतों में आत्महत्या कम होती है। शांति के समय में आत्महत्या ज्यादा होती है, युद्ध के समय में आत्महत्या कम होती है। अनमैरिड लोग, अविवाहित लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं, विवाहित लोग आत्महत्या कम करते हैं। तो ये उन्होंने पाया और उसको इस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया, ठीक है। क्या पाया उन्होंने कि प्रोटेस्टेंट वो आत्महत्या कम कर रहे हैं, कैथोलिक आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये 26,000 केसों का उन्होंने अध्ययन किया था। 26,000 केस में प्रोटेस्टेंट भी थे, फिर मर्द और औरत भी थे। 26,000 केस जो उन्होंने लिया तो उसमें कुछ देश वैसे थे जहां पर युद्ध वगैरह हो रहे थे, कुछ देश वैसे थे जहां पर शांति का दौर था। फिर जो आंकड़ा इन्होंने 26,000 केस का लिया था उसमें उन्होंने वर्गीकृत किया अविवाहित और विवाहित, तो उन्होंने क्या पाया कि प्रोटेस्टेंट ज्यादा आत्महत्या करते हैं, कैथोलिक कम करते हैं, मर्द ज्यादा आत्महत्या करते हैं, औरतें कम करती हैं, शांति के समय आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं, युद्ध के समय आत्महत्याएं कम हो जाती है, अविवाहित लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं और विवाहित लोग आत्महत्या कम करते हैं। नाउ अब इस टेबल को देख करके बताइए कि इधर क्या चीज ऐसा है और इधर क्या ऐसा है, क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन हो सकता है। इधर क्या मिल रहा है, बताइए, कोई बता सकते हैं इधर क्या है कि एकजुटता, एकता ये कम होती है। इधर एक जुटता अधिक होती है, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों में एकजुटता कम होती है, कैथोलिक धर्मावलंबी जो हैं उनमें एकजुटता ज्यादा होती है। ये ज्यादा कट्टर होते हैं और इनमें एकजुटता ज्यादा होती है, सॉलिडारिटी ज्यादा होती है। मर्दों में एकजुटता की कमी होती है, औरतों में एकजुटता ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि लड़कियों को अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस करके, चर्चा करके, रो धो करके वो अपनी समस्या को शेयर कर लेंगी और फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है उनका इमोशन। लड़के जो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं, इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, दुख है, दर्द है, तो अपने दोस्तों को वो नहीं बताएंगे। और इसके पीछे है क्या कि जो सिस्टम हमारा है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पैट्रियार्की, वो इसके पीछे उत्तरदायी होता है, जिसमें बचपन से हमें यह बताया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता,
अगर कोई लड़का रो रहा होता है तो परिवार के लोग ही उसे चिढ़ाते कि क्या लड़कियों के जैसा रो रहे हो। तो बचपन से ही उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि उसे रोना नहीं है, रोना लड़कियों का चिन्ह होता है, मर्द है तो उसे मजबूत होना है, उसे अपनी समस्याओं का खुद से समाधान करना है, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है तो वो बताएगा नहीं। ये बताने का मतलब है क्या कि वो अपने आप को कमज़ोर शो कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स हर किसी को होते हैं, इंसान है प्रॉब्लम होगा। मर्द जो है वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं और होता है क्या कि वो सुसाइड कर लेते हैं। वीमेन जो है वो शेयर करती हैं, नॉर्मल एक कॉमन जोक्स भी हैं कि अगर चार सहेलियां एक जगह हैं तो वहां पर शांति हो नहीं सकती क्योंकि वो बातें बहुत करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का और एक लड़की का ब्रेकअप हुआ तो लड़का नहीं बताएगा, अब बताएगा भी तो कैजुअली ये कहेगा कि हाँ ठीक है ब्रेकअप हो गया। मीन ऐसा वो प्रेजेंट करेगा कि जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे फर्क पड़ता है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। वही लड़की उसका ब्रेकअप होता है, वो जाएगी सहेलियों के बीच में रोना धोना करेगी, शेयर करेगी, और उसके बाद उसका इमोशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब एक बार उसने अपना इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया, उसके अंदर में जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो बाहर निकल गई, तो वो न्यूट्रलाइज हो गई, वो सुसाइड करने की संभावना उसकी घट जाती है। लड़का जो है वो अंदर ही अंदर कूदता रहता, वो अपना वास्तविक जो उसका इमोशन है वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और घुटता रहता है और सुसाइड कर लेता है। तो सॉलिडारिटी कम होती है मेन में, वीमेन में सॉलिडारिटी ज़्यादा होती है। शांति के समय होता क्या है कि हम लोग झगड़ते ज़्यादा हैं, सॉलिडारिटी कम होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब में हम लोग बटे हुए रहते हैं शांति का जब दौर होता है, लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो हमें एकजुटता आ जाती है कि हम अपने आपसी मतभेद को भुला देते हैं और एकजुट हो जाते हैं। तो युद्ध के समय एकजुट, आप घर में भी देखिएगा, हर घर में अगर मान लीजिए तीन चार भाई हैं तो उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं शांति के दौर में, उनके बीच में झगड़े, लेकिन अगर मोहल्ले के किसी और लोग से झगड़ा हो गया तो चारों भाई जो हैं एकजुट हो जाएंगे, सॉलिडारिटी आ जाती है। तो वॉर के समय सॉलिडारिटी ज़्यादा होती है, एकजुटता ज़्यादा होती है, शांति के समय में एकजुटता में कमी होती है। उसी प्रकार से अविवाहित जो लोग हैं उनमें एकजुटता की कमी होती है, विवाहित लोग जो हैं उनमें एकजुटता ज़्यादा होती है। अविवाहित जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से। विवाहित हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में एक दूसरे से अपना प्रॉब्लम शेयर कर लिए और इमोशंस न्यूट्रलाइज हो गया, तो विवाहित लोग में आत्महत्या की संभावना कम होती है, अविवाहित लोग में आत्महत्या की संभावना ज़्यादा होती है। तो है क्या, आत्महत्या उनमें ज़्यादा होगी जहाँ एकजुटता की कमी है, और जहाँ पर एकजुटता ज़्यादा है वहाँ आत्महत्या कम होगी। तो दुर्खीम ने इसको एक इक्वेशन से प्रेजेंट किया कि सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडारिटी, अर्थात आत्महत्या का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है एकजुटता के साथ। ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो इक्वेशन क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू बी बाई सी। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। यहां पर है क्या, एकजुटता बढ़ेगी तो आत्महत्या कम होगी, ठीक है, ये बढ़ेगा ये कम होगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो सोसाइटी में एकजुटता कितनी है, ये एकजुटता कहाँ होती है, सोसाइटी में। सोसाइटी में एकजुटता जितनी अधिक होगी आत्महत्या उतनी कम होगी। सोसाइटी में एकजुटता जितना कम होगा आत्महत्या उतना अधिक होगा। तो ये एक इक्वेशन इन्होंने बनाया कि आत्महत्या का सीधा संबंध समाज में एकजुटता से है। अब रांची में जैसे एकजुटता, मतलब रांची में आत्महत्या कम होती है,
दिल्ली में आत्महत्याएं ज्यादा होंगी, बम्बई में आत्महत्याएं ज्यादा होंगी, तो उसके पीछे रीजन है समाज में एकजुटता। रांची जैसा छोटा शहर है, यहाँ पर समाज में लोगों में एकजुटता है, आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, मिलना जुलना होता है, दोस्त यार संगत है तो उनसे आप मिलना जुलना करते हैं, एकजुटता ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर आत्महत्या की संभावना कम होती है। लेकिन यही रांची का लड़का जब वो दिल्ली जाता है तो वहां पर पाता है कि वहां का सोसाइटी थोड़ा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो वहां पर वो एकजुटता में कमी आ जाती है और वो अकेला महसूस करता है और वैसे परिस्थिति में विचलन की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात वो गलत रास्तों में जाने की संभावना जो है उसकी बढ़ जाती है और आत्महत्या के भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो है क्या कि लड़का या लड़की जो भी है तो वो रांची का, लेकिन रांची में था तो उसकी आत्महत्या की संभावना कम थी, लेकिन वो दिल्ली जाता है तो वहां पर एकजुटता में कमी आती है और एक ऐसे सोसाइटी में जी रहा होता है जहां पर लोगों को अपने पड़ोसी से मतलब नहीं है, दोस्तों से मतलब नहीं है, वो जाता है तो देखता है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा सेल्फिश हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन जी रहे होते हैं, आप दोस्तों पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड जो है उसको केवल पैसे से मतलब है, वहाँ इमोशनल रिलेशनशिप्स नहीं है, तो वैसे में वो एकजुटता में कमी आती है और ज़्यादा संभावना होती है कि वो आत्महत्या कर ले। तो ये एक रिलेशनशिप स्थापित हुआ जो दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या का सीधा संबंध होता है एकजुटता के साथ। इस प्रकार की आत्महत्या को दुर्खीम ने कहा ईगोइस्टिक सुसाइड। या अहमवादी आत्महत्या। तो ईगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है कि व्यक्ति समाज के साथ एकजुट नहीं है, समाज से कटा हुआ है, तो वैसे में उसकी आत्महत्या की संभावना बढ़ जाएगी। इसको ईगोइस्टिक सुसाइड इसलिए कहा क्योंकि दो तरह का चेतना होता है, एक व्यक्ति का अपना चेतना और दूसरा समाज का चेतना, ठीक है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक है सेल्फ कॉन्साइंस या स्वयं की चेतना और दूसरा है समाज की चेतना, कलेक्टिव कॉन्साइंस, सामूहिक चेतना। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया उनके लिए शॉर्ट में हम रिपीट करते हैं, ये क्या होता है, एक होता है स्वयं की चेतना, आपके अंदर का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो ये बताता है क्या सही है क्या गलत है, आपकी अपनी एक चेतना होती है जो आपको सही और गलत का संदेश देता है। आप सपोजली रास्ते में पड़ा हुआ रुपया देखते हैं तो आपकी चेतना जो है वहां पर आपको निर्देशित करेगी कि पैसा को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, उठा करके किसी गरीब को दे देना चाहिए, तो वहां पर जो भी आप निर्णय लीजिएगा वो आपकी चेतना के आधार पर, आपकी अपनी जो चेतना है कॉन्साइंस है उसको देख करके। आप रात को लौट रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई लड़की जो है वो ऑटो का वेट कर रही है, सुनसान रास्ता है और ऑटो नहीं मिल रहा है, अकेले है, तो वहां पर आपकी चेतना आपकी क्रिया को निर्देशित करेगी कि आपको क्या उस लड़की की मदद करनी चाहिए या उसके साथ छेड़खानी करनी चाहिए। वो आपकी चेतना आपको बताएगी कि क्या करना है, तो मदद भी करनी है तो किस तरह से मदद करनी है, क्या उसको ड्रॉप कर देना चाहिए या जब तक उसको ऑटो नहीं मिल जाता है तब तक बस स्टॉप पर बिना उससे कोई बातचीत किए वहाँ पर खड़े रहना चाहिए ताकि उसको वो सुरक्षित महसूस करे। वो आपकी चेतना आपको बताएगी, व्यक्ति जैसा होता है उसी प्रकार से वो क्रिया करता है और उसकी चेतना ही उसके व्यक्ति का निर्माण करती है। दूसरे तरफ एक सामूहिक चेतना है,
समाज की चेतना, समाज कुछ कहता है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी के घर में देहांत हुआ है तो सामूहिक चेतना यह कहती है कि उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, शरीक होना चाहिए, समाज ये कहता है। विवाह होना है तो समाज कहता है कि आपको इस धर्म, इस जाति के अंदर आपको विवाह करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो समाज कहता है, और सामूहिक चेतना के दबाव में आप रहते हैं और आपकी जो क्रियाएं हैं वो उस सामूहिक चेतना के दबाव में रह करके करती हैं। लोग मंदिर मस्जिद भी जो जाते हैं, गिरजा भी जाते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका अपना मन करता है, बहुत लोगों का अपना मन भी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर रहता है, जाना है, नहीं जाएंगे तो समाज में लोग बोलने लगेंगे कि अरे आजकल राहुल जो है वो मंदिर नहीं आता है, मुसलमान हो गया क्या, कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब मंदिर जाना या मस्जिद जाना, व्यक्ति इसलिए आ जाता है कि अपनी पहचान को बनाए रख सके, समाज का दबाव रहता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो मंदिर या मस्जिद इसलिए जाता है क्योंकि उसकी अपनी चेतना कहती कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो ये दो प्रकार की चेतनाएं होती है, सामूहिक चेतना और व्यक्ति की चेतना, अपनी स्वयं की चेतना। अहमवादी आत्महत्या तब होती है जब ये दोनों चेतनाएं जो है ना एक दूसरे के साथ द्वंद की स्थिति में होती हैं। द्वंद का अर्थ हो गया कि झगड़े की स्थिति में है, व्यक्ति की अपनी व्यक्ति का चेतना कुछ कह रही होती है, सामूहिक चेतना कुछ और कह रही होती है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल कि दो लोग हैं, एक लड़का, ठीक है, या इसको हम बी से वर्ड्स, बी एंड जी, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों का जाति या धर्म अलग है। अब इनकी अपनी व्यक्तिगत चेतना तो यह कहती है, किसी का माइक ऑन है ऑफ कीजिए, आरती, और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं अगले क्लास में काइंडली 9:30 का अगर टाइम है तो 9:35 तक ज्वाइन कर लीजिए, 9:40 तक मैक्सिमम लेट ज्वाइन कीजिएगा, आप वेटिंग रूम में रह जाइएगा, एंट्री नहीं। जाननी अपना माइक ऑफ कीजिए। लेट नहीं ज्वाइन कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप लोगों को जब टाइम मालूम है तो टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। तो सब ये एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो लोग हैं, ये इनका जाति या धर्म अलग हो सकता है और ये विवाह करना चाहते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत चेतना तो यही कहेगी कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम विवाह कर सकते हैं, साथ हम रहना चाहते हैं, लेकिन समाज की चेतना उन्हें इसकी अनुमति नहीं देती है। समाज यह कहता कि नहीं, अलग जाति अलग धर्म के होकर आप एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि दोनों के बीच में द्वंद होगा, सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना, और फिर ये दोनों सुसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना व्यक्तिगत चेतना का आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं सामूहिक चेतना, कि हम नहीं मानते आपके परंपरा, आपके रीति रिवाज, आपके ढकी अनुसी तौर तरीके को हम नहीं मानते हैं, और ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया में अगर लोग हमारे संबंध को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर हम आत्महत्या कर देते। तो अहमवादी आत्महत्या क्या हुआ कि जहाँ पर व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित करती है आत्महत्या करके, ठीक है। तो ये अहमवादी आत्महत्या का एक उदाहरण हुआ। तो अहमवादी आत्महत्या कब होता है? अहमवादी आत्महत्या तब होगा जब व्यक्ति समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करेगा, व्यक्ति समाज की परंपराएं रीति रिवाज को मानने को तैयार नहीं होगा,
उसे ये सारी रीति रिवाज परंपरा जो है वो ढक्कियानुसी लगेगी। जैसे दो रोज पहले का एक न्यूज था, राजस्थान में एक लड़की ने आत्महत्या कर दिया। आत्महत्या का कारण था, वहां पर एक परंपरा होती है आटा साटा। आटा साटा एक परंपरा क्या है, जो इधर हम लोग गोलट बोलते हैं। ओके, मीन एक घर में एक लड़का एक लड़की है, दूसरे घर में एक लड़का एक लड़की है, तो इन दोनों का एक्सचेंज मैरिज हो जाता है। इस घर का लड़का इस लड़की से शादी हो जाएगी, इस लड़की का शादी इस लड़के के साथ हो जाएगा। तो ये सामान्य तौर पर होता है गोलट शादी, या राजस्थान में इसको आटा साटा बोलते हैं। वो क्यों होता है कि कहीं ना कहीं अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए इस लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़का जो है शादी की उम्र हो गया है, तो गोलट शादी कर लिया जाता है। मान लीजिए इस घर के लड़की ये चाहते हैं कि इस लड़के से शादी हो जाए, तो लड़के वाले एक शर्त रखते हैं कि ठीक है हम शादी कर लेंगे इस लड़की से, क्योंकि लड़का मान लीजिए अच्छा कमाने वाला है, तो वो शादी बोलता है कि हम कर लेंगे, लेकिन मेरी बहन का विवाह जो है वो आपके लड़के से करा दी जाए, तब हम शादी करने को तैयार हैं और हम दहेज भी नहीं लेंगे। तो इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही हो, या और कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके वजह से फिर इस तरह से एक्सचेंज मैरिज हो जाता है। तो इसको आटा साटा परंपरा कहते हैं राजस्थान में, या इधर गोलट वगैरह। तो कई दफ़ा होता क्या है कि इस तरह का गोलट शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़का या लड़की में किसी तरह की कुछ कमी होती, जिसके वजह से ये इस तरह का विवाह कराया जाता है। नहीं भी हो सकता है, कई दफ़े आपसी सहमति से भी विवाह होता है इसमें। तो ये जो हमने उदाहरण बताया, तो उसमें एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो इसके विरुद्ध थी, ये सब परंपरा के विरुद्ध थी, लेकिन परिवार के दबाव में आके, समाज के दबाव में आके उसकी शादी होगी, तो उसने आत्महत्या कर लिया कि हम नहीं मानते ये आपकी पुरानी ढक्कियानुसी जो परंपरा है। हो सकता है वो लड़की किसी और जगह शादी करना चाहती हो या कुछ और वजह हो, लेकिन वो क्या शादी क्यों किया, उसने सुसाइड लेटर में लिखा कि हम किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम इसके लिए समाज को उत्तरदायी मानते हैं कि समाज के ये ढक्कियानुसी रूढ़िवादी विचार जो है, जिसमें जिसके तहत लड़की को बलि का बकरा बना दिया जाता है और ज़बरदस्ती उसका विवाह करा दिया जाता है, तो हम इसको नहीं मानते और इस कारण से हम आत्महत्या। तो ये एग्जाम्पल हो गया ईगोइस्टिक सोसाइटी का, अहमवादी आत्महत्या। तो अहमवादी आत्महत्या कब होती है, जब व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के साथ टकराव की स्थिति में हो। ठीक है, व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के साथ टकराव की स्थिति में हो, मतलब व्यक्ति जो है समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तब तो इसको हम कहते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या। दूसरा आत्महत्या ये भी हो सकता है जहां पर व्यक्तिगत चेतना, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, कि व्यक्ति समाज से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है कि उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। पहला में है क्या कि समाज से कटा हुआ है इसलिए वो सुसाइड कर लिया। दूसरा वाला में होता क्या है कि वो समाज से अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसको हम कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या। इसमें होता क्या है, पहला वाला में क्या था, ये व्यक्तिगत चेतना है और ये सामूहिक चेतना है। ठीक है, इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, ए और बी, तो ये दोनों टकराव की स्थिति में होता है और ए जो आत्महत्या करके इसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है कि ये व्यक्तिगत चेतना है और ये सामूहिक चेतना है। व्यक्ति अपनी चेतना को सामूहिक चेतना के अंदर विलीन कर लेता है, मतलब जो समाज बोल रहा है वही वो करेगा, जो समाज के लिए हितकर होगा वही करेगा, समाज के साथ वो टकराव की स्थिति में नहीं है, उसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, उसको लगता है कि ये समाज के लिए भला है तो वो समाज के लिए करेगा, जान देना समाज के लिए भला है तो वो समाज के लिए जान भी देने को तैयार है।
यहाँ पर था क्या कि समाज टकराव, समाज के साथ टकराव की स्थिति में था व्यक्ति, यहाँ पर समाज के साथ इतना घुल मिल गया है, इतना ज्यादा वो जुड़ा हुआ महसूस करता है कि अपने समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए वो आत्महत्या करने को भी तैयार है। उदाहरण सती प्रथा, फिदाइन हमला, जिसको आत्मघाती हमला भी कहते हैं, जहां पर व्यक्ति अपने ऊपर बम लगा करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये ट्वीट कर दिया गया है कि ऐसा करने से उसके समाज का, उसके समुदाय का फायदा होगा, और वो जाकर के इस तरह का जितने भी आतंकी जो होते हैं, जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरे समुदाय का भला होगा, तो वो इसी से ये परारवादी आत्महत्या। एक सैनिक देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है क्योंकि उसे ये है कि मर भी गए तो अपने देशवासियों की सेवा करते हुए, तो अपने आप को वो सोसाइटी से इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है कि वो उसके लिए आत्महत्या करने को भी तैयार है। उसे मालूम है जब वो जंग में जा रहा है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जापान में हाराकिरी हुआ करता था, वहां के जो सैनिक होते थे या राजा के जो सबसे वफादार सैनिक अंगरक्षक जो उसके होते थे, वो राजा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होते थे, तो वो भी परार्थवादी आत्महत्या। भारत में सती प्रथा जो होती थी वो भी परार्थवादी आत्महत्या, कि समाज के साथ वो स्त्री अपने आप को इतना जुड़ा हुआ महसूस करती थी कि उस परंपरा, उस प्रथा के लिए अपनी जान देने को तैयार है। कई दफा ये जबरन भी होता था क्योंकि ये एक परंपरा थी और जो स्त्री है उसकी इच्छा के विरुद्ध भी जाकर के जबरदस्ती उसको चिता पर बैठा दिया जाता था। अब नहीं होता है इस प्रकार की प्रथाएं परंपराएं, क्योंकि 1829 में विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे तो उस समय से ही इस प्रथा को, इस परंपरा पर पाबंदी लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें, इस सती प्रथा को बंद करने के लिए। उससे पहले औरंगजेब के समय में भी सती पर बैन लगाया गया था। अंततः फिर जब ये राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने आह्वान किया अंग्रेजों से कि इस प्रथा पर पाबंदी लगाया जाए, तब जाकर के बैन लगा और उसके बाद से फिर ये खत्म हुआ ये प्रथा। तो वो भी एक उदाहरण है परार्थवादी आत्महत्या का, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो है क्या, मान लिया जाए ये वाला लाइन जो है ये एकजुटता को शो कर रहा है। इधर प्लस है, इधर माइनस, अर्थात इधर जितना जाएंगे तो एकजुटता उतनी ज्यादा होगी, इधर जितना आएंगे एकजुटता उतनी कम होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या। और यहां पर क्या हो जाएगा, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या, इसको हम कहेंगे अहमवादी आत्महत्या। तो एकजुटता बहुत ज्यादा है सोसाइटी से तो भी प्रॉब्लम, एकजुटता बहुत कम हो गया सोसाइटी से तो भी प्रॉब्लम। तो इसलिए बीच में रहना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा समाज से एकदम जुड़े हुए कि उसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार हैं तो भी समस्या है,
अब बहुत ज्यादा समाज से कटे हुए रहेंगे तो भी समस्या है। तो ये हो गया एकजुटता। दूसरा, दो और प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं, इधर भी प्लस होगा इधर माइनस होगा, ये वाला लाइन हम कह रहे हैं रेगुलेशन। या नियंत्रण, समाज में बहुत ज्यादा अगर नियंत्रण रहेगा कि आप अपने आप को समाज में जकड़ा हुआ महसूस कीजिए तब भी आत्महत्या करेंगे, और समाज में बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं रहेगा तो वैसे में भी आत्महत्या होगी। इसे अलग नाम हम लोग देते हैं, बहुत ज्यादा जब नियंत्रण होगा समाज में तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड है। और नियंत्रण नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोमिक सुसाइड या मानक शून्यतावादी आत्महत्या। तो बहुत ज्यादा नियंत्रण है, इतना नियंत्रण कि आप अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे प्राचीन काल मध्य काल में होता क्या था, दास लोग, वो लोग आत्महत्या कर लेते थे, स्लेव्स जो होते थे वो लोग आत्महत्या कर लेते थे। क्यों आत्महत्या कर लेते थे? क्योंकि वो अपने आप को इतना जकड़ा हुआ महसूस करते थे, उनका जीवन लगता था जैसे कि एक अमानवीय जीवन व्यतीत कर